तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, फिर से आ चुका है न्यू एपिसोड। तो लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि माइकल पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था और ये साइकिल से पिज्जा डिलीवरी पास साइकिल से नहीं ये साइकिल इसके पास थी, ये स्कूटर से पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। तभी जहाँ पे इसका ओनर था उसने एक पार्टी के बारे में बताया जहाँ पे माइकल को वेटर का काम करना था, तो ये वहाँ पे फटाफट से मान गया माइकल। और इसके ओनर ने $200 दिए थे कि जाके कपड़े वगैरह ले लेना, उसके बाद तू पार्टी में निकल जाना। तो माइकल ने फटाफट से देख से तो कपड़े वगैरह ले लिए थे, उसके बाद ये पार्टी में आ चुका था। और पार्टी में जिसने बुलाया था उसके पास ये गया तो बोला भाई वेटर का काम नहीं है, तू जाके बस सिर्फ सब कुछ देख ले कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। माइकल सब कुछ देख ही रहा था तभी इसकी ये अमेंडा को देख लेता है जो कि माइकल की फ्यूचर वाइफ है। तो यहाँ पर ये पूरा पागल हो जाता है और भाई ये सोचने लगता है कि अमेंडा से ये शादी कैसे करे, जो कि अमेंडा अभी बहुत ही ज़्यादा अमीर है और माइकल बहुत ही ज़्यादा गरीब है। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू एपिसोड में। तो फटाफट से जो लोग चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को स्टार्ट करते। तो अभी माइकल आप लोग को शायद नहीं पता होगा कहाँ पे जा रहा है, ये वही पार्टी से वापस जा रहा है अपने घर की ओर और रास्ते भर में यही सोच रहा है भाई कि अमेंडा से मतलब कि कैसे क्या करना है। और जो कि भाई ये अमीर बनने का अब पूरा मतलब कि इसके सर पे जुनून सवार हो चुका है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये पहले से ही अमीर ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, लेकिन ये आप सोच रहा है कि मैं पक्का अमीर बनूंगा चाहे गैंगस्टर बन के या तो अच्छे काम करके। लेकिन अच्छे काम करके भाई इतनी जल्दी अमीर कोई नहीं बन सकता, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अमीर बन जाते हैं, और गैंगस्टर बन के तो बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो आप लोग की क्या राय है कॉमेंट में मेरे को फटाफट से बताओ। और माइकल का मैं फ्यूचर घर दिखाने वाला हूँ जो फ्यूचर में ये लेना चाहता है, तो फटाफट से चलो मैं दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि ये माइकल का घर है, लेकिन ये अभी माइकल का घर नहीं है क्योंकि ये पास्ट लाइफ सीरीज है। पास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करता है और अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, एक साइकिल और एक टूटा फूटा घर के अलावा। तो माइकल सोच रहा है ये वाला घर लेने के लिए फ्यूचर में, तो देखते ये ले पाता है या नहीं। अब फटाफट से हम लोग अपने घर की ओर निकलते हैं। और पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर करके अगर माइकल ये घर लेना चाहता है तो भाई इसको लग जाएंगे 30 से 40 साल। तो भाई इसके लिए या तो एक अच्छी जॉब चाहिए जो कि अच्छी खासी सैलरी हो जिससे हम लोग घर ले सके, और या तो फिर हम लोग कोई गलत काम पे उतर जाएं जैसा कि हमारे पड़ोसी करते हैं जो आप लोग को मैं चलो अभी दिखाने वाला हूँ। वो मतलब हमेशा भाई गोली बंदूक करते रहते हैं और उसने मेरे को ऑफ़र भी दिया था कि मेरी गैंग में आ जाओ, तुम्हारा एक पर्सनल घर भी होगा और सब कुछ हो, गाड़ियाँ वगैरह होगी। और माइकल का सपना यही है कि एक बहुत ही तगड़ा लग्जरी घर हो और एक सुपर कार हो जिससे ये घूमने जाया करे। तो भाई चलते हैं फटाक से, देख सकते हो हम लोग अपने घर की साइड आ चुके हैं। अब फटाफट से भगा के चलते हैं, देखते भाई वो दोनों बंदे आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो हरदम कुछ ना कुछ नया ही करते रहते हैं। और माइकल को कई बार बोले, माइकल को एक बार पुलिस उठा के ले जा चुकी है, इसी वजह से माइकल डरता है कि गंदे काम मतलब गैंगस्टर वगैरह के साथ रहने के लिए, नहीं तो ये भी जाता। और देख सकते हो भाई यहाँ पर फायरिंग भी चल रही है। मैं सोच रहा था भाई ये दोनों कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, और देख सकते हो ये लगे पड़े हुए हैं और पूरे मोहल्ले को भाई इस गन की नोक पे डरा के रखते हैं, और जिससे चाहे उससे पैसे उतने जितने चाहे उतने भी ले सकते हैं। और भाई ये जो कैरेक्टर आपको सामने दिख रहा है फ्रैंकलिन का, इसका लॉस सैंटोस में एक बहुत ही तकड़ा लग्जरी घर भी है जो कि भाई इसने किसी को भी नहीं बता रखा है, क्योंकि ये मतलब ये मेरे को ऐसा बोल रहा था कि मैं अगर वो घर बता दूंगा तो वहाँ पर भी कुछ लोग अटैक कर देंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाई लग्जरी घर में सभी लोग इसके फैमिली वाले रहते हैं। तो ये सबको यही बता के रखा है कि बस ये यहीं पे रहता है, इसका मेन घर यहीं पे है। और भाई ये इतना छुपा रुस्तम है कि भाई वहाँ लग्जरी घर में भी रहता है और यहाँ पर भी रहता है। और इन दोनों ने मेरे को कई बार ऑफ़र किया है कि मेरे साथ आ जाओ, साथ में मिलके काम करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और इनकी कार देख के तो और सब कुछ देख के मेरे को यही लगता है कि भाई चले जाना चाहिए। लेकिन एक बार माइकल पुलिस से पिट चुका है बहुत ही गंदी तरह, कुत्ते की तरह उन लोगों ने मारा था इसे, तभी से ये बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो अभी देख सकते हो ये मस्त अपने घर पर आ चुका है, फटाफट से देख सकते हो उसी गैराज में आ चुका है जो कि इसका सपना है। देख सकते हो ये व्हील्स वगैरह उठा के लाया है जंकयार्ड से ताकि ये एक सुपर कार बना सके अपने लिए, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब खरीद नहीं सकता है उतनी महंगी कार। तो ये सोच रहा है खुद कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा करके अपने लिए सुपर कार बनाए। और माइकल ने कुछ पैसे भी इकट्ठे कर रखे है जंकयार्ड से सामान लाने के लिए जिससे ये सुपर कार बना सके। तो अभी देख सकते हो भाई ये पूरी मस्त रात होने वाली है, फटाफट से अंदर चलते हैं और खा पी के सो जाते हैं। ओके गाइस, अभी माइकल ने खाना पीना
मस्त खा के अभी ये सोने के लिए जा रहा है। और देख सकते हो भाई सुबह भी हो चुकी है फटाफट से। भाई आज तो भाई बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज संडे है और संडे पे माइकल काम पे नहीं जाता और ये जाने वाला है जंकी आर्ट। वहाँ से लाएगा कुछ कार के टुकड़े जो कि पुराने होंगे और सस्ते में मिल जाएंगे और जिससे ये अपनी सुपर कार बनाएगा। तो अभी ये मस्त नहा के देख सकते हो कपड़े वगैरह पहन चुका है। अब फटाफट से हम लोग बाहर चलते हैं और देखते हैं भाई जाके वहाँ पे कोई अच्छी सी कार वगैरह मिल जाए जिससे ये अपनी सुपर कार बना सके। तो देख सकते हो भाई अभी ये अपनी साइकिल ढूंढ रहा है। भाई साइकिल कहाँ गई यार, ये रात में आया था और उसके बाद इसे कुछ दिखा भी नहीं, मतलब उतनी रात भी नहीं थी और ये पूरा भूल चुका है। अब फटाफट से बाहर जाके देखते हैं वो भाई हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं जो कि भाई बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं। और देख सकते हो ये अभी मस्त सो रखे हैं और सुबह के लगभग 6 से 7:30 हो रखे होंगे क्योंकि माइकल के पास अभी ना घड़ी है ना फ़ोन है, ये टाइम भी नहीं देख सकता, मतलब इतना ज़्यादा गरीब है। लेकिन एक सेकंड भाई यहाँ पे देख सकते हो दो दो गन पड़ी हुई है जो कि भाई मुझे लगता है कि जो कल शाम के टाइम ये दोनों फायर कर रहे थे ये वही गन है। क्यों ना हम लोग इस गन को उठा के, और आज संडे भी है जो कि माइकल काम पर नहीं जाएगा, इस गन से हम लोग किसी को भी डरा के अच्छे खासे पैसे ऐंठ सकते हैं। तो भाई माइकल को तो यही लग रहा है कि भाई दिन भर काम करके इतना पैसा नहीं मिल पाता जितना हम लोग इस गन को दिखा के ले सकते हैं। तो माइकल अभी देख सकते हो ये धीरे धीरे जा रहा है भाई कोई देख न ले, और हम लोग फटाक से यहाँ से गन उठाते हैं और देखते हैं भाई अंदर जाके चेक करते हैं। तो ओके गाइस देख सकते हो अभी माइकल ने गन तो उठा लिया है और हम लोग घर के अंदर भी आ चुके हैं। फटाफट से चेक करते हैं भाई, लेकिन एक सेकंड भाई इसमें तो एमओ ही नहीं है यार, इससे हम लोग किसको डराएंगे। लेकिन ये बात मेरे को पता है और सबको तो नहीं पता ना, तो भाई इससे हम लोग डरा सकते किसी शॉप ओनर को। किसी शॉप में जाएंगे हम लोग उससे डराएंगे और देखेंगे भाई कितना पैसा मिल सकता है और क्या मिल सकता है। तो भाई ये तो भाई किसी को नहीं पता होगा कि इसमें गन में गोलियां नहीं है। लेकिन पिछली बार पोपट हो चुका था, वैसा इस बार ना हो। जो लोग पिछली वीडियो से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि भाई एक बार फिर से ये ऐसा ही गया था बिना गन, मतलब बिना गोलियों वाले गन के लेके, और भाई शॉप ओनर के पास बहुत ही बड़ी गन थी और उसने माइकल को दे दिया था, मतलब 2-3 फायर कर दिए थे, इसको लग भी गई थी और पुलिस भी पकड़ गई थी। लेकिन वो पुरानी बातें, फटाफट से चलते अभी देखते किसी शॉप में ये इसे कुछ मिल पाता है या नहीं। तो ओके अभी ना देख सकते हो मैं घर से निकल चुका हूँ, फटाक से मैं देख सकते हो शॉप के पास भी पहुँच चुका हूँ और शॉप के सामने मैं साइकिल नहीं लगा हुआ, नहीं तो ओनर अंदर घुसने भी नहीं देगा, वो जान जाएगा भाई ये बहुत ही ज़्यादा फटीचर आदमी है। तो अभी देख सकते हो हम लोग शॉप में इजिली घुस चुके हैं, लेकिन हम लोग उसे अभी नहीं पता चलने देंगे कि हम लोग लूटने आए। अभी सब कुछ देखते हैं और सब कुछ खरीदने की ऐसे नौटंकी करते हैं और इधर जाते हैं और पैसा वगैरह इधर ही रखते हैं। और भाई इधर ही घुसते देख सकते हो वो मेरे पे चिल्लाने लगा कि वहाँ से निकलो, वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम्हें जो लेना है इस साइड लो। तो अभी देख सकते हो भाई अंदर कोई भी नहीं है और बाहर भी नहीं गए। तो फटाक से मैं गन दिखाता हूँ और भाई देख सकते हो मैंने इसे गन दिखाई और ये कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब इसे डर भी नहीं लग रहा है और इसके पास भी गन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इसे निकाल, लेकिन ये कुछ मतलब रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। फटाफट से मुझे ही जाके लगता है निकालना पड़ेगा और पास में जाना पड़ेगा, इससे डर भी नहीं लग रहा है। और सच में भाई इसमें गोलियां भी नहीं तो एक आध बजा देता, लेकिन देख सकते हो माइकल ने इसे मार दिया है और ये पूरा मस्त लेट चुका है और ये तो पैसे देने वाला नहीं। मैं फटाफट से खुद ही निकाल लेता हूँ यहाँ से, जल्दी जल्दी अपनी जेब में पूरे पैसे भर लेता हूँ और यहाँ से फटाक से निकलते हैं। तो अभी देख सकते हो मेरे पे कुछ ज़्यादा नहीं, बस $300 हो चुके, लगभग $100-200 यहाँ से मिले हैं और जंकी आर्ट में कुछ सामान तो मिल ही जाएगा। लेकिन हम लोग वहाँ पर जाने से पहले एक आध शॉप और लूट लेते हैं तो और भी कुछ पैसा हो जाएगा। तो भाई फटाक से चलते हैं और देखते कहीं अगर और भी कुछ पैसे मिल जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे जंकी आर्ट। ऑल राइट गाइस, हम लोग दूसरी शॉप की ओर निकल चुके हैं फुल स्पीड में साइकिल को भगाते। लेकिन यहाँ पे भाई पहुँचते मुझे हेल्प हेल्प की आवाज़ कुछ आने लगी, तो भाई माइकल ने देखा भाई वहाँ पे कुछ एक लड़की खड़ी हुई है और उस लड़की को माइकल की क्या हेल्प चाहिए जो कि माइकल खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाता। तो फटाक से चल के देखते हैं क्या हेल्प चाहिए उसे। तो अभी देख सकते हो भाई मैं इसके पास आ चुका हूँ और ये भाग के जा रही, लगता कुछ अंदर कुछ हुआ है गड़बड़। तो चल के देखते हैं क्या वहाँ पे गड़बड़ हुआ। लेकिन एक सेकंड भाई यहाँ पे दो बंदे गन एम करके माइकल के ऊपर चढ़ चुके हैं। भाई मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब माइकल खुद ब खुद चोरी कर रहा है गन दिखा के और माइकल से ये भी लोग लूट रहे हैं गन दिखा के। तो भाई क्या गन हो चुका है भाई, कुछ गड़बड़ ही हो रखा है। और देख सकते हो भाई 2-3 गोलियां माइकल को लग भी चुकी है और अभी देख सकते हो माइकल यहाँ सोच रहा है कि भाई गन दिखा के डराऊंगा, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है, माइकल पे फायर करते ही जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे माइकल खड़े होकर
को सोच रहा है भाई कि ना हम लोग इन लोगों को मार के असली गन ले ले जिसमें गोलियां भी है, लेकिन ये तभी डर जाता है थोड़ा सा कि भाई उनके पास गन है और गोलियां भी है, माइकल के पास गन है गोलियां नहीं। तो ये फटाक से सोचता है यहां से पहले मेरे को निकलना चाहिए, नहीं अगर एक भी गन की गोली अगर अच्छे से लग गई तो माइकल का काम यहीं पर हो जाएगा। तो माइकल वहां से डर के यहां पर भाग आता है और भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है ये इससे अभी करना क्या चाहिए। तो ओके अभी देख सकते हो साइकिल वो पीछे लगा के फिर से शॉप में घुस चुका है और वही पुरानी वाली एक्टिंग करने वाला है जो कि फर्स्ट वाले शॉप पे इसने की थी सामान देखने की। तो अभी देख सकते हो ये पूरा सामान देख ही रहा है और इसने सोचा क्यों ना हम लोग अंदर जाएं और देखते हैं ये कुछ बोलता है या नहीं। और देख सकते हो भाई ये सच में चिल्लाने लगा भाई, जैसे वो शॉपकीपर चिल्ला रहा था वैसे ही सेम टू सेम ये भी चिल्ला रहा है। तो फटाक से देख सकते हो अभी माइकल ने गन निकाल ली, फटाफट से उसे डराते हैं और बोलते हैं भाई सारे पैसे इधर रख दे। और भाई देख सकते हो अबे भाई इसके पास तो गन निकली यार, माइकल की अब वार्ड लगने वाली है। और देख सकते हो भाई दो तीन गोलियां इसको लग भी चुकी है, अब ये फटाक से बाहर आ चुका है भाई। ये इसने फिर से बहुत ही बड़ी गलती कर दी और देख सकते हो ये एक छोटा सा शॉपकीपर जिसके पास भाई कुछ भी नहीं होने वाला, उसके पास इतनी तगड़ी गन है जिससे माइकल की खोपड़ी उड़ा दी उसने। और एक सेकेंड भाई वो कर क्या रहा है, पैसे वगैरह उससे निकाल रहा है और उसने पैसे निकाल के साइड रख दिया और देख सकते हो ये अंदर घुस गया। भाई ये क्या हुआ मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अभी कि मतलब ये हो क्या रहा है, इसने पैसे निकाले और साइड में रख के ये चला गया। और देख सकते हो एक सेकंड भाई ये मेरे से डर के भी भाग गया, मतलब अब तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है मतलब ये इसने किया क्या। तो फटाक से मैं पहले पैसे उठा लेता हूँ जितने भी इसने रखे थे, पैसे उठा लेते हैं फटाक से निकलते। वो यहाँ से डर के क्यों चला गया मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और भाई देख सकते हो कुछ गलत सीन होने वाला, ये देख सकते हो भाई मुझे लग रहा था मैप में रेड रेड दिख रहा था और देख सकते हो पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है कि वो अब मेरे को समझ में आया कि वो वहाँ पे पैसा रख के अंदर जाके कॉल करके आए कि पुलिस आ जाए। और देख सकते हो पुलिस आ भी चुकी है और माइकल की वाट लगने वाली है और देख सकते हो ऊपर से सब फायर करते ही जा रहे हैं। और देख सकते हो माइकल के पास कोई सुपर कार या तो कोई बाइक भी नहीं है जिससे ये अच्छी तरीके से पूरे फुल स्पीड में भाग सके और इन पुलिस वालों से बच सके। और वो लोग भाई ऊपर है, अच्छा हुआ जो बाइक से और कार से नहीं है, नहीं तो तुरंत ही पकड़ लेते। वो लोग ऊपर है फटाफट से भाई हम लोग तो कहीं पर जाके छुपना होगा जिससे वो लोग हमें देख ना सके। और अभी तो माइकल की वही पुरानी वाली वाट लग चुकी है जैसे पहली बार शॉप में गया था, शॉपकीपर पहली बार में इसे पकड़ा दिया था लेकिन इस बार पहली वाली शॉप से तो ये लूट चुका था कुछ पैसे और दूसरी वाली शॉप से भी पैसे लूटे, लेकिन वो शॉप ओनर थोड़ा सा चंट निकला और इसकी वाट लगा दी। और वो एक सेकेंड भाई यहाँ पे देख सकते हो पुलिस वालों ने माइकल को पकड़ ही रखा है, मतलब अब कहाँ पर जाएगा माइकल, यहाँ पर तो इसे अब पकड़े ही जाना है क्योंकि अगर यहाँ से भागेगा तो भाई सीधा ये लोग गोली मारेंगे और माइकल की डेट हो जाएगी। तो अब यही सीधा रास्ता है कि भाई इन लोगों को इनके हवाले कर देना चाहिए, माइकल को सरेंडर कर देना चाहिए और आगे माइकल को अब ये सोचना चाहिए कि हम लोग पुलिस वालों से बाहर कैसे आएंगे। अभी देख सकते हो मतलब पुलिस स्टेशन से बाहर कैसे आएंगे। तो माइकल अभी ये सोच रहा है कि भाई पिछली बार तो पहली गलती थी इसी वजह से पुलिस वालों ने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मेरी ये दूसरी गलती हो चुकी है, हो सकता है ये छोड़े या नहीं, हो सकता है कि भाई जो पड़ोसी है इसके वो इसे छुड़ाने आ जाएं। तो भाई देखना पड़ेगा उसके लिए पार्ट, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। इस वाले पार्ट में इतना ही था, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना और भी बाकी के पार्ट जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही था, बाय।